किसानों ने सवाल जवाब किए ने अज सियासी आगुआ दे नाल सियासी पार्टियां दे नाल और बलजिंदर कौर होनी साडे नाल मौजूद ने गलबात करदे आ की कह रहे ने बड़े लंबे समय तो चाह रही सीगी कि किसानों दे नाल बैठक होवे वन टू वन असी उन्हां दे नाल डिस्कशन च बैठीए। खैर जदों कैप्टन अमरिंदर होरां ने गल की सी ऑल पार्टी मीटिंग दी तां आम आदमी पार्टी उस वेले भी चाह रही सीगी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जावे पर वो अपने किते होए वादियां तो जिहड़ी आ सरकार वो भज गई। खैर 4.5 साल हो गए कांग्रेस सरकार नूं कि हर उस किते वादे तो वो लगातार भज रही आ पर अज किसानां दे नाल बैठे हाँ तो इस गल की खुशी है कि चाहे वह मैनीफेस्टो लैके उत्थे जिक्र होया कि मैनीफेस्टो एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए आ ते उदे च जड़े वादे किते होण ओ टाइम बाउंड होने चाहिए कि उदा टाइम लिमिट होनी चाहिए आ कि किन्ने टाइम दे विच जड़े ओ सारे वादे जड़े आ ओ पूरे किते जाण। ते आम आदमी पार्टी दा डे वन तो इस गल ते फोकस कर रही है कि मैनीफेस्टो एक लीगल डॉक्यूमेंट बने ना कि झूठ दा पलंदा जिवें सरकारां अक्सर बनाउंदियां आईयां ने। बहुत सारे वादे मैनीफेस्टो च मैनशन करदियां ने पर एक भी वादा पूरा नहीं करदी ना उहनां दी कोई टाइम लिमिट हुंदी आ। पार्लीमेंट तो लैके आम आदमी पार्टी ने हर एक मंच ते जड़ी आ मैनीफेस्टो दी गल ते टाइम बाउंड दी गल कीती आ। दूसरा सीगा मोटा मोटा जा कि जिहड़ियां पोलिटिकल रैलीज ने उन्हां नूं ना कीता जावे कि किते ना किते ढाल लगदी आ इस किसानी अंदोलन नूं। मैं दसदियां कि बेशक असीं पिंडां च गए हां बेशक हर उस धरने च बैठे हाँ प्रोटेस्ट ते बैठे हाँ इक्को मैसेज पंजाब दे बतौर किसान दी धियां पुत होण दे नाते दित्ता है कि साडे इस अंदोलन नूं मजबूती किवें मिलनी चाहीदी है कि आओ इकट्ठे होके वध तो वध इस अंदोलन दे विच अपना योगदान पाइए अपना हिस्सा पाइए। साडे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल तो लैके आम आदमी पार्टी का हर वो अहुदेदार तो लैके हर वो संभव कोशिश रही है कि इस अंदोलन नूं किवें मजबूत किया जाए। और जितों तक रहेगी रैलीज की गल आम आदमी पार्टी किसानों के नाल खड़ी है डट के असी इस गल का सहयोग करते हाँ कि पोलिटिकल रैलीज अगर साडे किसान जथेबंदियां चाहुंदियां ने कि ना होण तां नहीं होणगियां पर नाल नाल सिर्फ एक समिशन जिहड़ी कि बनदी सीगी कि जिस तरीके दे नाल कैप्टन अमरिंदर ने अनाउंस कर दिता कि 13 तरीक तो शायद कोई वो प्रोग्राम पोलिटिकल प्रोग्राम उलीकण जा रहे हैं तो क्योंकि सरकार कदे किसी की गल सुनती नहीं होंगी सरकार कदे किसी की गल सुनना ही नहीं चाहती होंगी सरकार ने सिर्फ अपनी जिहड़ी वो चलानी होंगी आ कि अगर ये रैलीज रोकिया जाएगियां तो कि यह कैप्टन अमरिंदर जिहड़े इस गल नूं फॉलो करनगे कि वह भी अपनी पोलिटिकल रैलीज रोकणगे कि किते यह तो नहीं होगा कि असी अपना सारा जिहड़ा जिहड़ा फैसला मन के मंजूर करके सारे प्रोग्राम अपने बंद कर देने हैं पर जे कैप्टन अमरिंदर इस सोशल माहौल का फायदा चकते हैं नजायज़ फायदा चकते हुए दोबारा फिर पंजाब नूं मजबूर कर देंगे कि जिहड़े 4.5 साल पंजाब ने दुखांत हंडाया दोबारा फिर मजबूर कर दिया कि पंजाब नूं उसे दुखांत दे विच लेके जाना तो फिर यह बिल्कुल गलत होगा। सिर्फ इन्नी समिशन सी अदरवाइज असी किसानां दे हर फैसले दे नाल आ जो कहणगे रैलीज नहीं करनियां तां डेफिनेटली असी नहीं करांगे। किस चीज़ नूं लेके सवाल जवाब होए ज़्यादा नहीं देखो क्योंकि सिर्फ एक एजेंडा जड़ा मेन फोकस करता सीगा कि काले कानून जड़े रद्द होने चाहिए ऑफकोर्स रद्द होने चाहिए आ MSP की गरंटी होनी चाहिए ऑफकोर्स होनी चाहिए आम आदमी पार्टी ये कह रही है और मैनीफेस्टो लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए बेसिकली जड़िया पोलिटिकल रैलीज ने वो नहीं होनी चाहिए रीजन बींग की जड़े किसानी अंदोलन आनू सट ना लगे नहीं देखो अजिहा कुछ नहीं आया कोई ये नहीं है कि उन्होंने कोई ए रिस्ट्रिक्शन आई है नहीं करना यह तो जस्ट एक विचार वटांदरा है डिस्कशन आ तो वो अपना पॉइंट रखना बहुत जरूरी सीगा कि किते ना होवे कि सरकार इस माहौल का जड़ा आ वह फायदा चके तो पंजाब नूं एक बारी सट फिर लगे। चर्चा हुई है कि पिंडां दे विच विरोध हुंदा वड्डे पद्धर ते क्या तां मोर्चे ने है कि BJP दे आगुआं दा विरोध करो बाकियां नूं सवाल जवाब करो ये नहीं आ देखो पिंडां दे विच भाईचारक सांझ आ अपने भाईचारे के लोग पिंडां दे विच रहिंदे आ शहरां च रहिंदे आ सो इहो जिहा कोई सवाल जवाब नहीं कि जिथे ये लगे कि इस माहौल नूं किते ना किते जिहड़ा एसकलेट किया जा रहा इहनूं भड़काया जा रहा इहनूं प्रवोक किया जा रहा असा आम आदमी पार्टी तो सीधा सीधा एक गल ते फोकस करदी आ कि पिंडां दे विच वी जाके हमेशा एक गल नूं कही आ कि वध तो वध इकट्ठे होके इस किसानी अंदोलन नूं मजबूत करिए क्योंकि जे किसान बचदा तां असीं सारे बचदे आ ते असीं पंजाब दे किसानां दे धियां पुत्तां ते आपदा अखलाकी फर्ज निभाया ते निभाउंदे रहांगे।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।